जय कृष्ण। जय माता जी की। आज हम बनाएंगे हैदराबादी खट्टी दाल और चावल। तो देखिए, मैंने दाल भिगा दिया है एक घंटा। ये मच्छर वाली दाल है, आपकी मनपसंद दाल आप ले सकते हो। और चावल भी मैंने अच्छे से वॉश करके भिगा दिया था। और ये इमली है, इमली से खट्टा होगा। लहसुन, प्याज, पालक जो भी डालेंगे वो सब आपको आगे दिखाते। सबसे पहले दाल को हमें दो सीटी में पकाना है। दाल डाल देंगे, हरी मिर्ची, वॉश किया हुआ थोड़ा सा पालक 10 से 15 नंग, पानी डालेंगे, बड़ा एक कटोरा। कुकर को बंद कर देंगे। कुकर बंद कर दिया, गैस पे रख दिया, 2 सीटी लगा देंगे। बढ़िया सा तड़के की तैयारी करेंगे। सबसे पहले चावल रख देंगे। जितना चावल है इससे 4 गणा हमें पानी डालना है, 4 से 5 गणा। तो हम चावल को पकने के लिए रख देंगे। चावल भी मैंने गैस पे रख दिए हैं। ये चावल अच्छे से उबल जाएंगे। एक उबलने के बाद हम छन्नी के अंदर ले लेंगे। बाद में एक तड़का लगाएंगे चावल को। दाल और चावल पक रहे हैं। हम चावल का और दाल का रख दिया छन्नी के अंदर, निकाल दिया ठंडा पानी ऊपर रेड़ दिया है। दाल की सीटी पड़ के भी रेडी हो गई है। चेक करते हैं, बहुत ही बढ़िया दाल करके रेडी हो चुकी है। चलिए बनाते हैं तड़का। तेल डालेंगे तड़के के लिए। 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं। बड़े वाले अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा फेवरेट राई और जीरा, 2 सूखी मिर्ची, थोड़ा सा हींग, जीरा अच्छे से भुट गया है। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। दोनों हरी मिर्ची, दोनों प्याज, बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। प्याज को अच्छे से पकाना है हमें। जितना प्याज अच्छा पकेगा इतनी दाल अच्छी बनेगी। तो आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। देखिए, प्याज अच्छे से पकने आ गया है हमारा, कलर चेंज हो गया। तो प्याज को हम थोड़ा सा साइड में करेंगे और कलर के लिए कश्मीरी मिर्ची डालेंगे 1/2 चम्मच। और प्याज को अच्छे से मिला देंगे। धनिया, जीरा, तीखी वाली मिर्ची, हल्दी 1/1 चम्मच, नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच, आप स्वाद के हिसाब से डालिए। वो भी अच्छे से मिला देंगे तड़के के अंदर। तड़का डाल देंगे दाल के अंदर। दाल को मैंने गैस पे वापस रख दिया है और ये तड़का मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिला देंगे। कम आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, दाल का उबाल आने का चालू हो गया है। तो हम इमली वाला पानी डाल देंगे। बीच साइड में रख दिया है मैंने। देखिए, ये खट्टी दाल और चावल बहुत ही सुपर लगते हैं। अच्छे से उबलने देंगे। बहुत ही बढ़िया दाल हमारी उबल रही है, आप देख सकते हो। सुपर बनी है, खुशबू तो एक नंबर आ रही है मेरे को तो। चलिए, कढ़ाई के अंदर तेल गरम रखा है, जीरा डाल रही है थोड़ा सा। थोड़े से हींग डालूंगी, कड़ी पत्ता, चावल डाल दूंगी। अच्छे से मिला दूंगी। कड़ी पत्ते वाला चावल बहुत ही सुपर लगता है।
थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक मैंने चावल में नहीं डाला था, आपको आपके साथ डालिए। चावल हो गए रेडी, तो चलिए तव करते हैं, गैस को बंद करते हैं। ये कटोरा लिया है, चावल निकालूंगी। चावल निकल दिया, दाल निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी हेल्दी दार हमारी बनती है ये। मच्छुर की दार है, हेल्थ के लिए बहुत ही सुपर होती है। बाद में मैंने पालक डाला है, अदरक लहसुन डाला है, प्याज, बहुत ही सुपर दार बनी है ये। पूरा कटोरा भर देंगे दार चावल हमारा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आपके बच्चों के लिए ज़रूर से बनाना। बहनों मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए आपके घर पे कोई भी सब्जी ना हो तो एक बार ये दाल चावल जरूर से ट्राई करना, पूरे परिवार को अच्छा लगेगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फिर से कह रहे और सब्सक्राइब ना किया वो भी करना। ओके बाय बाय, दूसरे वीडियो के साथ वापस मिलेंगे।